न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 3 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद आएंगे सीएम योगी, करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। 5 दिसंबर को सुबह हैदराबाद के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 3 दिसंबर को आएंगे गोरखपुर, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 4 दिसंबर को साय 4:25 पर जाएंगे दिल्ली। महानगर में कूड़ा निस्तारण की डीएम ने बनाई कार्य योजना, लोगों से की अपील, कहा स्वच्छ और सुंदर शहर बनाए रखने में निभाएं अपनी भागीदारी। मौसम को देखते हुए 15 दिसंबर से सक्रिय होगा रैन बसेरा और जलेगा अलाव, जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा सर्दी मौसम को देखते हुए सतर्क है प्रशासन। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ राष्ट्रीय सेवा भारती का वार्षिक उत्सव, मुख्य अतिथि विधायक संगीता यादव ने कहा मंदिर में पूजा करने से पहले हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की करें सेवा। टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए जिलाधिकारी ने की समूह की महिलाओं के साथ बैठक, कहा सफाई अभियान में अपनी भूमिका का निर्वहन करें महिलाएं, मिलेगा पारिश्रमिक। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में बीईजी रुड़की ने आईटीबीपी दिल्ली और पटना बिहार को तथा वाराणसी उत्तर प्रदेश ने बीएसएफ नई दिल्ली को रोमांचक मुकाबले में हराया। राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में स्माइल होम का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, कहा विक्षिप्त बेसहारा लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा ये होम। पिपराइच विधायक ने किया थीम बेस्ड हैशटैग जेल रेस्टोरेंट का उद्घाटन, परिवार सहित बगैर जेल गए जेल का ग्राहकों को मिलेगा लुत्फ, के साथ ही नए क्लेवर में खाने पीने के शौकीनों को जायका। धोबी कल्याण समिति का प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ संपन्न, सरकारी विभागों में धोबी पद की बहाली और सरकारी लॉन्ड्रियों का संचालन और टेंडर धोबी समाज को देने की सरकार से हुई मांग। स्वच्छ भारत अभियान में उतरे एसपी ट्रैफिक, चलाया स्वच्छता अभियान, किया ट्रैफिक बैरियरों की साफ सफाई, कहा साफ सफाई पर रखे विशेष ध्यान। रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत हुई साफ सफाई, किया गया पौधरोपण।